बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 10,000। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माई न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो कि आपको अंडर 10,000 में देखने को मिलेगा। और इन सभी स्मार्टफोन्स में आप लोग पबजी और फ्री फायर जैसे गेम्स को हाई सेटिंग और हाई ग्राफिक्स पे आराम से खेल पाओगे, कोई भी आपको लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और इस लिस्ट में हमने उन्हीं फोन्स को ऐड किया है जिसमें आपको मिनिमम 6 GB का रैम, 7,000 mAh तक का बिग बैटरी और एक पावरफुल प्रोसेसर होना चाहिए। और इन सभी स्मार्टफोन्स को परचेस करने के बाद आपको लोग बस यही बोलेंगे, हैकर 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 या जमा लो انتبهتوا لحركاته। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर थर्ड पे आपको देखने को मिलेगा टेक्नो की तरफ से टेक्नो पोवा 3, जो कि टेक्नो का सबसे लेटेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है। और इस फोन में आपको लिटरली 7,000 mAh का मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिलता है जो कि आपको इस प्राइस रेंज पे कोई भी ब्रांड आपको ऑफर नहीं करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो 6.9 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है 90Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ में। और यहाँ पर आपको 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलेगा। और बात करते हैं चिपसेट की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है MediaTek Helio G88 का चिपसेट जो कि अच्छा खासा चिपसेट है। यहाँ पे आप लोग PUBG और Free Fire जैसे गेम्स को मीडियम सेटिंग और मीडियम ग्राफिक्स पे आराम से खेल पाओगे, कोई भी आपको लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। बात करें रैम और स्टोरेज के बारे में, तो 4GB का रैम और साथ में आपको 64GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको 3GB का वर्चुअल रैम देखने को मिलता है, यानी कि टोटल आपको 7GB का रैम देखने को मिलेगा। बात करें बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 7000 mAh का मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिलेगा 33W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। और यहाँ पे आप लोग 15 से 20 घंटे नॉनस्टॉप गेमिंग कर सकते हो। बात करते हैं फोन के प्राइस के बारे में, तो ये फोन आपको अभी के टाइम में 11,000 का देखने को मिलेगा। लेकिन इस फोन को अगर आप लोग ऑफर वगैरह में परचेस करोगे तो ये फोन आपको अंडर 10,000 में देखने को मिल जाएगा। और ये फोन ज्यादातर मैं उन्हें रेकमेंड करूंगा जिनको गेमिंग करने के लिए बिग बैटरी चाहिए, तब आप लोग यहाँ पे इस फोन को कंसिडर कर सकते हो। नंबर सेकंड पे आपको देखने को मिलेगा पोको की तरफ से पोको M4 5G, जो कि पोको का सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन है। और इस फोन में आपको लिटरली बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो 6.58 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है 90Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ में। और यहाँ पर आपको 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलेगा। और बात करें चिपसेट की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 700 का 5G चिपसेट जो कि बहुत ही पावरफुल फुल है। यहाँ पे आप लोग PUBG और Free Fire जैसे गेम्स को हाई सेटिंग और हाई ग्राफिक्स पे आराम से खेल पाओगे, कोई भी आपको लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। 3.5 लाख के आसपास आपको अंडरटू स्कोर देखने को मिलता है। बात करते हैं रैम और स्टोरेज के बारे में, तो 4GB का रैम और साथ में आपको 64GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा। बात करें बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh का नॉर्मल बैटरी देखने को मिलेगा 18W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। और यहाँ पे आप लोग 10 से 12 घंटे नॉनस्टॉप गेमिंग कर सकते हो। बात करें फोन के प्राइस की, तो ये फोन अभी के टाइम में आपको 11,000 का देखने को मिलेगा। लेकिन इस फोन को अगर आप लोग ऑफर वगैरह में परचेस करोगे कार डिस्काउंट लगाने के बाद, तो ये फोन आपको मात्र 9,500 का देखने को मिलेगा। और इस प्राइस पॉइंट पे ये फोन वन ऑफ द बेस्ट फोन है जहाँ पर आपको गेमिंग के साथ साथ 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर आपको गेमिंग के साथ साथ एक 5G स्मार्टफोन लेना है तो इस फोन को आप लोग कंसिडर कर सकते हो। नंबर फर्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 11S। और इस फोन को नंबर फर्स्ट पे रखने का बहुत सारा रीजन है जो कि आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो 6.95 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ में। और यहाँ पर आपको 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। और बात करें चिपसेट की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा MediaTek Helio G96 का पावरफुल चिपसेट जो कि बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे आप लोग PUBG और Free Fire जैसे गेम्स को हाई सेटिंग और हाई ग्राफिक्स पे आराम से खेल पाओगे, कोई भी आपको लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। 3,30,000 के आसपास आपको अंडरटू स्कोर देखने को मिलेगा। बात करते हैं रैम और स्टोरेज के बारे में, तो 4GB का रैम और साथ में आपको 64GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको 3GB का वर्चुअल रैम देखने को मिलता है, यानी कि टोटल आपको 7GB का रैम देखने को मिलेगा। बात करें बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh का नॉर्मल बैटरी देखने को मिलेगा 33W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। और यहाँ आप लोग 10 से 12 घंटे नॉनस्टॉप गेमिंग कर पाओगे। बात करते हैं फोन के प्राइस के बारे में, तो ये फोन अभी के टाइम में आपको 10,000 का देखने को मिलेगा। और ये फोन ज्यादातर मैं उनको रेकमेंड करूंगा जिनको गेमिंग करने के लिए एक अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले चाहिए, पावरफुल प्रोसेसर
प्रोसेसर चाहिए और एक अच्छा चार्जिंग स्पीड चाहिए, तब आप लोग यहाँ पे इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। तो बाकी गाइज यही था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हमारे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।